नमस्कार दोस्तों, स्कूटी की लाइटें खास तो कुछ वैसी ही नहीं होती है जो पुरानी वाले हैलोजन थे, लेकिन जो मेरी वाली अभी इसकी लाइटें आप देख रहे हो कैसे फ्लक्चुएट कर रही है। ये देखो, जब जब करी खतरनाक ढंग से जल रही बुझ रही है और ये कर रही है कट्टों में। तो अभी ऐसे में कोई भी नॉर्मल बंदा यही सोचेगा कि कुछ वायरिंग का इशू है, लाइट गड्ढों में बंद हो जा रही है। ठीक है, अभी मैं आपको और दिखाता हूँ, थोड़ा और अंधेरे में जाते हैं, वहाँ मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। इस गली में थोड़ा अंधेरा है, आली से चलते हैं। ठीक है, अभी बंदी है लाइट अपनी, ये देखो लाइट का स्विच ऑन है। ठीक है, ऐसे दिखाऊंगा, ये देखो स्विच ऑन है, लाइट बंद है। ठीक है, ये देखो फ्लक्चुएट कर रही है, ये देखना। अभी थोड़ा गड्ढे में जाएगी सीधे, अभी चल रही है सही सही, जैसे अभी रुक गया इसका फ्लक्चुएट होना, मतलब लाइट का अभी सही चल रही है। चलो अब जहाँ पर ये करेगी वहीं पर मैं आपको दिखाऊंगा और इसका सलूशन भी बताऊंगा। सलूशन ऐसा है कि बड़ा इजी सा है, जो सोचा था उसके बिल्कुल उल्टा। ठीक है, तो अभी कहीं पर जहाँ पर ये फ्लक्चुएट करना स्टार्ट करेगी वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो फिर स्टार्ट हो गई, स्विच ऑन है अपना। ठीक है, मतलब बीच बीच में कभी तो सही हो जा रही है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम फ्लक्चुएट कर ही रही है। अभी ऑफ है देखो, मतलब अभी जल ही नहीं रही। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अभी ये जो स्विच है ना, मैं इसको प्रेस करूँगा, ये देखो जलने लग जाएगा। अगर मैं इसको लगातार दबाए रखूँ तो ये लाइट जल रही है। ठीक है, अगर छोड़ दूँ तो फिर फ्लक्चुएट करने लग जा रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो इसमें इश्यू हो रहा है यही हो रहा है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है जो भी ये इश्यू है ना, स्विच का ही है, लाइट से कोई इश्यू नहीं है। मतलब जो लाइट के कनेक्टर्स हैं वो ओके हैं। सेम ये चीज़ हो रही, देखना ये लाइट बुझी हुई है। जैसे मैं स्विच को प्रेस कर रहा हूँ वैसे ही जलने लग जा रही है। अब एक बार स्विच छोड़ रहा हूँ, ये बुझ गई, ये स्विच और प्रेस किया मैंने और ये फिर जलने लग गई है। मतलब जो भी है इसका स्विच का ही इश्यू है, खोल कर देखना पड़ेगा अंदर क्या हो सकता है कार्बन। अब देखिए, यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इसको ऐसे निकालिए, लेकिन ऐसे निकालने में इसके टूटने के चांस रहते हैं। तो जितना भी आगे का टापा है, कवर है हेडलाइट का, इसको निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद इसको इजीली बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, अदरवाइज टूटने के चांस रहते हैं, फिर खाली नुकसान हो, अच्छा नहीं लगता। तो ये देखिए, आगे का वायर मैंने खोल लिया है। अब इसका जो स्विच है इसको आप इजीली निकाल सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको स्क्रू ड्राइवर लेना है कोई भी, तो एक तरफ से जो लॉक होता है उनको प्रेस करना है और ये आसानी से बिल्कुल अपना निकल जाएगा। बाहर की तरफ से इसको खींच लेंगे, ये निकल जाएगा। ठीक है, तो बाहर से बिना निकाले खींचने में उसके टूटने का चांस है। अब जो पीछे कनेक्टर है इससे इसको निकालना है, आसानी से निकल जाए, थोड़ा हार्ड भी हो सकता है। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, प्लास्टिक है तो इसको ज़रा सॉफ्टली ट्रीट करना, क्योंकि ये बहुत जल्दी टूट जाता है और पुराने होते हैं तो और जल्दी टूटने का चांस रहता है। ठीक है, अब देखिए उसको भी हम साफ़ करेंगे, बाद में करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो हमारा फोकस है उस स्विच पर है। हम इस स्विच को पहले अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। अब देखिए, हमें इसको खोल कर ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो इसके अंदर जो मेटल पार्ट्स होंगे ना, उनमें हो सकता है कोरिजन हो या फिर कार्बन कलेक्ट हो गया ओवर द टाइम, तो उसको हमें क्लीन करना है। तो इसको खोलने के लिए देखिए, यहाँ पे प्लास्टिक है, इसको आपको पहले तो खींच लेना है, वो भी सॉफ्ट हैंड से, अदरवाइज वो भी टूट सकता है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जो नीचे वाले जो इसमें लॉक हैं उसको किसी भी स्क्रू ड्राइवर से, पतले स्क्रू ड्राइवर से, अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं था यहाँ पर, तो मैंने इसी जो मेरे पास जिससे मैंने खोला आगे का वाइजर, उसी से मैं इसको खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये इस तरीके से खुल जाता है, किसी भी तरीके से खुल जाता है, बस इसका कवर हटा लेना अंदर। अब यहाँ पर जो स्विच है इसको आपको निकाल लेना है। ध्यान रखना, इसमें एक बॉल होती है, ठीक है, उसको आपको नहीं खोना, वो खो जाएगी फिर आपका स्विच बेकार हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर आपके पास एक्स्ट्रा बॉल हो तो फिर अलग वाली चीज़ हो जाती है। ठीक है, तो इसको और इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है वो आपको बचा के रखना है। उसके बाद कोई भी आपको सैंड पेपर लेना है उससे साफ करना, चाहे तो कपड़े से कर लो या फिर चाहे स्क्रू ड्राइवर से कर लो, अगर आप पे ये चीज़ें नहीं है। सैंड पेपर का ये रहता है ना कि अच्छे से वो चीज़ें साफ़ हो जाएंगी। ठीक है, तो ये साफ़ हो गया, जितनी भी डस्ट है उसके अंदर सारी आपको झाड़ लेनी, उसके बाद वापस इसको रीइंस्टॉल कर लेना। इसमें आपको थोड़ा मेहनत लगेगी, देखिए तरीका अलग अलग होता है, मेरा भी ना एक बार में नहीं हुआ था, तो इसका मैं आपको बहुत आसान तरीका बताता हूँ। पहले स्विच को लगाइए, ठीक है, उसके बाद जो बॉल है बॉल को इस तरीके से रख के उसको आप स्क्रू ड्राइवर से ना प्रेस कीजिए, परफेक्टली लग जाएगा। बस ध्यान में यही रखना होता है कि ये जो बॉल है ना, बॉल कहीं मिस ना हो, अगर ये मिस हो गया तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगा, फिर ये स्विच बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये लग गया, इस तरीके से प्रेस करके बहुत आसानी से लग जाएगा। अब इसको हमें चला के देख लेना है, ठीक है, काम कर रहा नहीं कर रहा अच्छे से, और जैसे हमने निकाला था ना वैसे इंस्टॉल भी होगा। उसके बाद इसका कवर है, कवर लगा लेना, उससे पहले आप चाहें तो अच्छे से सैंडिंग कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं अंदर अगर उसके कोई भी डस्ट पार्टिकल्स हो, तो ये लगा लेना वैसे जैसे निकालता फिट हो गया। अब करते हैं इसको गाड़ी में इंस्टॉल, उससे पहले आपको एक बार इसको टेस्ट कर लेना अच्छे से। ठीक है, तो ये परफेक्टली काम कर रहे हैं यहाँ पर, इसको टेस्ट करके देखते हैं।
लेकिन इंस्टॉल करने से पहले उसका जो कनेक्टर है ना दूसरी साइड का, वो भी हमें साफ़ करना है, हो सकता है उसका अंदर कार्बन हो, ठीक है, तो उसको आपको क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद अगर इस तरीके से आप कर रहे हैं तो उसको थोड़ी देर सूखने देना है, उसके बाद जब वो अच्छे से सूख जाए तो उसके बाद जो स्विच है उसको भी वापसी लगा लें। लगाने का तरीका बहुत आसान था, बस यही है कि इसको आपको सॉफ्ट हैंड से ट्रीट करना है, प्लास्टिक होता है टूट जाता है, ठीक है। वैसे ज़्यादा महंगा नहीं, चाहे तो आप रिप्लेस भी कर सकते हैं अगर टूट जाए या पुराना हो जाए काम न करे तो, ठीक है। अब ये हो गया, लग तो गया अच्छे से, अब इसको वापसी में चेक भी कर लेना और उसके बाद आगे का जो वायर है वायर लगा लेता हूँ सारे, और उसके बाद इसको एक बार स्टार्ट करके चेक भी कर लेते हैं। यहाँ पर लाइट भी अच्छे से काम कर रही है। अब जो मेन चीज़ थी ना कि जब गड्ढों में जा रहे थे, गड्ढों में लाइट ऑफ हो रही थी, वो रात में ही चेक होगा, तो वो मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि कैसे काम कर रहे हैं। चलो अब इसकी फाइनल टेस्टिंग करते हैं, रात हो ही गई है, लाइट ऑन करते हैं। ऑन तो प्यार से हो रही है, अगर चला तो सही, नहीं तो इतनी मेहनत बेकार जाएगी, ठीक है। अब इसकी टेस्टिंग करता हूँ, थोड़ा विंड नॉइस आएगी, अभी मेरे पास एक्शन कैमरा तो है नहीं, मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, तो थोड़ा आप एडजस्ट कर लें, ठीक है। फिलहाल के लिए गड्ढों वाली सड़कों पे जाएंगे और उधर ही इसकी टेस्टिंग करेंगे अच्छे से, ठीक है। नो, अभी तक तो कोई फ्लक्चुएशन इसमें नहीं है जैसा पहले था, सारा इसको अच्छे से टेस्ट करेंगे, ठीक है। नहीं, अब नहीं कर रही है, अब बढ़िया चल रहा है, लाइट ऑन ऑफ कर रहा हूँ मैं, बढ़िया ऑन हो रही है। और टेस्ट करते हैं इसको थोड़ा आगे जाके, तो देखिए अब लाइट अपनी परफेक्टली काम कर रही है, मैंने स्विच पे हाथ भी नहीं लगा रखा है, और फ्लक्चुएशन वाली जो प्रॉब्लम था, इश्यू था, तो वो अभी पूरे तरीके से सॉर्ट आउट हो चुका है। अब आगे लाइट की रोशनी तो इतनी है, क्या करें उसकी। अरे एक बार और इसको टेस्ट करके मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, फाइनल बस फिर मैं टेस्ट करेंगे। अब देखिए फाइनल ट्राई, मतलब जो फाइनल मैं आपको दिखा रहा, लाइट अपनी ऑन है, अभी मैंने फ्लैश ऑन कर दिया, देखिए स्विच अपना ऑन है और लाइट भी अपनी फ्लक्चुएट अब नहीं कर रही, ठीक है, मतलब स्मूथली चल रही है, अपना काम अच्छे से कर रही है, ठीक है। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, काम अपना हो गया है, ठीक है। जो मेरा मेन जो मोटिव था यही था कि कम से कम खर्च किए बिना कैसे आप अपना काम कर पाए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो किसी और टॉपिक के साथ, तक के लिए बाय, टेक केयर।